हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन टुडे दिस वीडियो हम देखने वाले हैं पॉलिनोमियल ऑफ क्लास 10th चैप्टर 2। तो सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट होता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो पहला आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। द पॉलिनोमियल हैविंग ओनली डिग्री 0, जिसकी डिग्री होती ही नहीं है, यानी कि इसका कोई वेरिएबल ही नहीं होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं के का कोई वेरिएबल नहीं है। नेक्स्ट वन इज़ लीनियर पॉलिनोमियल। द पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 ओनली, लाइक वी कैन से ax only x have 1 degree, so it's a linear polynomial. Next one is the polynomial having degree 2 called quadratic polynomial. As you can say, ax square. Here x have degree 2, so it is a quadratic polynomial. Next one is the polynomial having degree 3 called cubic polynomial. The highest value here is ax cube, so it x have 3 degree, so it's a cubic polynomial. Next one is polynomial having degree 4. As we can say, ax raised to power 4 mean it have degree 4, so it is biquadratic polynomial or quartic polynomial. Now let's see division algorithm for polynomials. A real number constant k is said to be 0 if a polynomial px is equal to x if pk is equal to 0. यहाँ पे example मैं समझा देती हूँ इस line का क्या मतलब है। पी एक्स यहाँ पे हमें एक लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ है और x से यहाँ पे हम ज़ीरो, हमें ज़ीरो की वैल्यू निकालनी है। तो हम अलग अलग नंबर को पुट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने x वैसे ज़ीरो किया, तो यहाँ पे x की ज़ीरो वैल्यू होगी, लेकिन यहाँ पे माइनस वन आ रहा है। जब तक उस इक्वेशन की वैल्यू ज़ीरो नहीं आ जाती, तब तक वो उसका ज़ीरोज नहीं है। तो हमने वन पुट करा, तो x को वन पुट करके हमें यहाँ पे ज़ीरो मिलता। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डैट एयर वन इस जो हमें लीनियर पॉलिनोमियल दिया हुआ है इक्वेशन, इसका 0 1 है, ठीक है। और ऐसे ही अगर वो लीनियर पॉलिनोमियल दिया है तो उसका एक ही 0 होगा, ठीक है। अगर हमें क्वाड्रेटिक दिया है, यानी कि एक्स स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है, तो उसका जो 0 हमें मिलेगा वो होगा 2। क्यूबिक में 3 होगा और क्वाड्रेटिक में 4 जीरोज हमें मिलेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन टॉपिक है 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑन ग्राफ। ग्राफ पे अगर हमें नोट करना है या फिर पता लगाना है कि इसके कितने जीरोज़ हैं, तो हमें कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर लाइन पढ़ते हैं, तो जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स आर एक्स कोऑर्डिनेट्स विच इज़ एब्सिस्सा ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ पी एक्स ओनली इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे हमें देखना है कि जो लाइन एक्स एक्सिस को सिर्फ कट कर रही है, जितनी बार कट कर रही है उतना ही उसका ज़ीरो आएगा निकल कर। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, इसको यहाँ पे 3 बार कट कर रही है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा। दिस इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब इसके 3 जीरोज हैं। और एक और चीज़ है, अगर हमें पता लगाना है कि लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा है, जैसे कि ये है एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस, तो लीनियर पॉलिनोमियल में होता है सिर्फ एक ही बार कट करती है, यानी कि वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होगी किसी डायरेक्शन से। तो जैसे ये वाला है लीनियर पॉलिनोमियल होगा। नाउ नेक्स्ट वन इज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पैराबोला। तो पैराबोला क्या होता है, दिस वन इज़ ओके, वो कुछ इस तरह से, ये शेप को, इस शेप को पैराबोला कहते हैं, चाहे वो नीचे से खुला है या ऊपर से, इसको हम पैराबोला कहते हैं। जैसे कि ग्राफ में आप देख सकते हो दो बार कट कर रही है, एक बार दो बार, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरोज होते हैं, तो जितने बार यहाँ पे कट किया है 2 बार, तो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो द नेक्स्ट वन इज, इसमें ही एक टॉपिक है यहाँ पर है कि अगर ये जो हमें पैराबोला है दिया हुआ दिस वन, अगर वो उसका जो ओपन एरिया है, ओपन साइड है, वो ऊपर साइड है, यानी जैसे नीचे साइड है ये वाला ऊपर साइड है, तो उसका क्या इक्वेशन होगा, डेट ए इज़ ग्रेटर देन 0। ए क्या है यहाँ पे, ए है जैसे इसका एक्स है ना, एक्स वैल्यू 1 है, तो वहाँ पे 1 क्या है, ए होगा वो, ठीक है। तो ए है वो है ग्रेटर देन 0 होता है, और अगर वो नीचे साइड खुला है तो जो 0 होता है वो ए से बड़ा होता है। तो ये भी 1 मार्क्स में क्वेश्चन हमें आ सकता है कि अगर पैराबोला ऊपर साइड खुला है तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए इक्वल टू 0 होगा, ग्रेटर देन होगा, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है।